नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनामिका झा। राजपाक में नए थाना प्रभारी की ईमान छवि के चलते लोगों ने किया शानदार स्वागत। दिल्ली पुलिस में प्रशांत विहार के थाना के जाबाज SHO अशोक कुमार की साफ छवि बहादुरी भरी उपलब्धियों के चलते उन्हें थाना राजपाक का चार्ज सौंपा गया। दिल्ली पुलिस में प्रशांत विहार के थाना के जाबाज SHO अशोक कुमार की साफ छवि बहादुरी भरी उपलब्धियों के चलते उन्हें थाना राजपाक का चार्ज सौंपा गया। उन्होंने प्रशांत विहार थाने में बहुत हद तक अपराध पर शिकंजा कसते हुए जिला रोहिणी में प्रशांत विहार को नंबर वन थाना बनाया। राजपाक इलाका उनके लिए एकदम चुनौतियों भरा है। यहाँ खुले आम स्मैक, गांजा, सट्टा, शराब इत्यादि अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहे हैं। पुलिस किसी भी तरह की कोई कार्रवाई ना करते हुए सिर्फ देखती रहती है। अपराध की बढ़ोतरी लगातार जारी है, इसलिए लगता है आला अधिकारियों ने इनकी साफ छवि और मेहनत को देखते हुए राजपाक थाने का चार्ज इन्हें सौंपा है। प्रशांत विहार थाने के लोगों ने जाबाज SHO अशोक कुमार को नम आंखों से विदाई देते हुए कहा, पता नहीं हमारे इलाके का अब क्या होगा, लेकिन हम जल्द ही आपको अपने इलाके में SP पद पर तैनात देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ राजापाक थाने के गेट के बाहर कई घंटों से उमड़ी भीड़ ने जैसे ही अशोक कुमार की गाड़ी वहां पहुंची तो राजपाक निवासियों ने फूल मालाओं और कई तरह के तोहफे भेंट करते हुए अपने थाने के जाबाज SHO का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा, जैसे आपने प्रशांत विहार में अपराध पर शिकंजा कसकर चमकाया, उसी तरह राजपाक के इलाकों को भी साफ व अपराध मुक्त बना दो। SHO अशोक कुमार ने वादा करते हुए कहा, आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरने के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा। राजपाक थाने पर लोगों की उमड़ी भीड़ हजुम ने थाने में प्रवेश करने से पहले ईमानदार छवि वाले थाना प्रभारी का गुलदस्ते, शॉल, पगड़ी बांधकर शानदार स्वागत किया। राजधानी दिल्ली के सभी इलाकों के थाना प्रभारी यदि धरातल पर उतरकर जनता के हितों को तबज्जो देते हुए काम करेंगे तो दिल्ली अपराध रहित दिल्ली कहलाएगी और दिल्ली की जनता इन जैसे अधिकारियों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनके दिलों में दिल्ली पुलिस की खराब छवि अपने आप धुंधली होते हुए खुद ब खुद साफ व पाक बन जाएगी। इस तरह भारत देश की राजधानी दिल्ली अपराध मुक्त बन जाएगी। दिल्ली से अनीता गुलेरिया की रिपोर्ट।